हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई फाई स्टूडियोज़। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द SSC स्पेशल क्लास, जो मॉर्निंग 5:30 AM पे डेली बेसिस पे आप सभी के सामने लाइव होती है, जहां पे कहीं ना कहीं हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आपके सारे के सारे SSC एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इसके साथ साथ ये आपको सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेंगे। तो जस्ट मेक इट अ हैबिट कि मॉर्निंग में 5:30 AM भले ही आप ये सेशन देख पाओ ना देख पाओ, लेकिन दिन में किसी भी टाइम पे इस सेशन को देखोगे जरूर, ताकि इससे जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होते हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर होते चले। तो चलो फिर लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सेशन फॉर टुडे, जो कि आज हमने नंबर सीरीज पे बेस रखा है। और रिविजन इसीलिए क्योंकि यार नंबर सीरीज आप अक्सर ही करते रहते हो प्रैक्टिस, तो चलो आज रिवाइज करते हैं CHSL एग्जाम्स के लिए, और किस तरीके से आपकी अप्रोच हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन आप कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड एंड चेक आउट ऑल द क्वेश्चन। बट ऑफकोर्स उससे पहले इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें क्वेश्चंस पे जाने से पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों? तो यार बेसिकली देखो, जैसे YouTube पे क्लासेस होती हैं, वैसे अनअकैडमी पर भी आपको दो क्लासेस प्रोवाइड होती हैं, एक फ्री क्लास और एक आपकी प्लस क्लास। अब फ्री स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें, तो इसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके एजुकेटर्स को फॉलो करना है और बस उनकी फ्री क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर देना। प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है यहाँ पे, तो क्यों? तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हो तो यस, द ऑप्शन इज प्लस, क्योंकि फ्री में हम सारे एग्जामिनेशंस को साथ में लेके चलते हैं, एंड दिस इज अ कंटिन्यू गोइंग क्लास। बल्कि प्लस क्लास जो होती है वो हमारी एग्जाम रेलेवेंट, एग्जाम टू एग्जाम होती है। एग्जाम रेलेवेंट ये भी होते हैं, लेकिन ये फॉर ऑल एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम टू एग्जाम होती है। आई गेस यू आर गेटिंग इट कि अगर रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे का बैच, CGL का एग्जाम है तो CGL का बैच, CHSL का एग्जाम है तो CHSL का बैच, इस तरीके से। और जब हम फ्री में जाते हैं तो क्वेश्चंस जो रेलवे, SSC, CGL, CHSL सब में पूछे गए, वो सारे के सारे। तो अगर आप सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयारी चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ नहीं करना, अगेन ऐप में जाना या वेबसाइट पे किसी भी कोर्स पे क्लिक करना, नॉट नेसेसरी हमारी फोटोग्राफ लगी है उसी कोर्स पे, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करो। कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ड्यूरेशन पेज आ जाएगा, अब आपने तो ऑब्वियसली डिसाइड किया ही होगा कि कितने ड्यूरेशन में आपको तैयारी करनी है, कितने ड्यूरेशन में आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, तो उतना ड्यूरेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ड्यूरेशन सिलेक्ट करते ही कोड एप्लीकेशन की डिमांड हो जाएगी, तो फटाफट कोड अप्लाई कर देना। कोड अप्लाई करना क्यों? क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। 10% डिस्काउंट जो भी आपका रीजनेबल अमाउंट होगा, जितने भी आप मंथ्स का ड्यूरेशन लेते हो उसमें। अब इस 10% डिस्काउंट के साथ साथ जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे, तो आप ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस कर पाओगे, प्लस ऑल एजुकेटर की एक्सेस कर पाओगे। दैट मीन्स मैथ्स, GS, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सब कुछ, और रीजनिंग के भी कई सारे एजुकेटर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। तो जस्ट गेट थ्रू द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि दिस सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ क्लासेस लाता है, बल्कि आपके लिए क्विजेस, क्विजेस के साथ साथ टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। ओवरऑल तैयारी करनी है तो बस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अब हमारी अनअकैडमी की टाइमिंग क्या क्या है क्लासेस की, वो एक बार देख लो। तो मोर ओवर सबसे पहले तो यार हमारी प्रोफाइल फॉलो कर लेना, SAMA SHTI SHUKLA। 7:45 पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास होती है डेली मॉर्निंग में, 60 मिनट्स का सेशन होता है, ठीक है। 9 PM पे रात में SSC की फ्री स्पेशल क्लास होती है, अगेन ये भी आपका 60 मिनट्स का सेशन होता है। अब हम इसमें डेडिकेटेडली SSC के लिए और इसमें डेडिकेटेडली बैंक के लिए तैयारी कराते हैं। 12:30 PM पे 6 जनवरी को हमने टारगेट CHSL का कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी क्लास डेली 90 मिनट्स की होती है। और इस 90 मिनट्स के क्लास में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जिससे आपके CHSL का बूस्टअप हो जाता है। 25 दिन का ये बैच है, जो कि कंटिन्यूसली फॉर 25 डेज रन हो रहा है विथ 5 क्विजेज अटैच्ड। अब 25 दिन मतलब 25 लेक्चर्स पूरे के पूरे आपके CHSL के सिलेबस को कवर करते हो। तो आप चाहें तो इसको कल से ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग इज 12:30 to 2 PM एंड ऑफकोर्स इस कोड को मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। YouTube की टाइमिंग एज इट इज यू ऑल नो इट, Wi-Fi स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, और Wi-Fi स्टूडियोज पर ही सैटरडे संडे शाम को 7 बजे सेशन लाइव चलता है। Wi-Fi 2.0 पे मंडे से लेकर संडे तक शाम के 4:30 बजे हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास करते हैं। तो 2.0 पे डेली लाइव क्लास होती है, स्टूडियोज पे हफ्ते के एंड में वीकेंड पे आपको 2 लाइव क्लास मिलती है, और बाकी दिन प्रीमियर सेशन मॉर्निंग 5:30 AM पे। तो चलो
नंबर सीरीज का रिविजन सेशन है, तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव D/5, G/9, J/14, M/20 और आगे लगा है क्वेश्चन मार्क. तो अब क्या करेंगे हम, 5 से 9 + 4, 9 से 14 + 5, 14 से 20 + 6, तो अगला विल बी +7, तो मतलब यहां आ जाएगा 27. अब D से G, तो ये हो गया हमारा 4 से 7, क्योंकि प्लेस वैल्यूज की बात है, तो D की प्लेस वैल्यू 4, G की प्लेस वैल्यू 7, तो ये हो गया हमारा +3. J की प्लेस वैल्यू 10, तो ये भी हो गया +3. M की प्लेस वैल्यू 13, तो यहाँ भी हो गया +3. तो अब अगला भी आप करोगे +3, तो 13 + 3 हो जाता है 16, एंड 16 प्लेस वैल्यू होती है P की, तो P 27, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर. चलो अगला देखें, 313, 623, 933, 1243 क्वेश्चन मार्क. तो अब अगर आप देखो तो 3, 3, 3, 3 सिमिलर है, 1, 2, 3, 4, तो +1, +1, +1 चल रहा है, तो 4 के बाद +1 होगा तो ऑब्वियसली 5 आ जाएगा, तो 53 तो रहा लास्ट में. अब 3 से 6 + 3, 6 से 9 + 3, 9 से 12 + 3, 12 से 3, 15, तो यार हमने ब्रेक करके पता लगा लिया 1553. नहीं ब्रेक करते तब यही होता कि 310 जोड़ो, फिर 310 जोड़ो, फिर 310 जोड़ो, तो क्यों जोड़ो, आप सिंपली ब्रेक करके इसको आंसर जल्दी निकाल सकते हो. तो चलो अगला देखें, B2D E3H I4N. तो अब यार अब ये देखो, B से E, ये 2 है, ये 5 है, +3, ये 9 है, +4, तो अगला विल बी +5 ऑफकोर्स, तो 9 और 5 हो जाता है 14, 14 मतलब हो गया N, 14 प्लेस वैल्यू. अब 2, 3, 4, तो नेक्स्ट विल बी 5. अब लेटर्स को देखें, तो D की प्लेस वैल्यू 4, H की प्लेस वैल्यू 8 +4, M की प्लेस वैल्यू 13 +5, तो अगला विल बी +6 +5 ना, हाँ हाँ +5 ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी आपका +6, तो M +6 13 + 6 कितना हो जाएगा, 13 + 6 विल गिव अस 19 करेक्ट, तो 19 हो गया मतलब हमारा S, तो N5S, ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर. ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5255, 5306 अब क्वेश्चन मार्क. तो यार सिंपल सा फंडा वही करें, ब्रेक करो अगर तो 5, 6, तो अगला विल बी 7, क्योंकि देखो फिर 8 है, फिर 9 है. अब 50, तो 50 यहां पे 5 आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि एक बार 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5. अब 2, 3, तो यहां कितना आएगा आपका, सोचने वाली बात है, क्योंकि 2, 3 के बाद यहां 4 है, तो अब इतना ऐसे मत दिमाग लगाओ, आप सिंपल से ये देखो कि अगर हम यहां पे 0 ऐड कर देते तो उस हिसाब से नंबर आ जाता हमारा, दैट मींस 5, 3 का 5, 3 ही रहने देते. और इसको अलग तरीके से देखो तो ये +51 है, यहां भी +51 है, तो एवरीवेयर +51 ही हो रहा है, तो 5306 + 51, तो ये हो गया हमारा 5357, ऑप्शन नंबर बी, डन. चलो अगला देखें, अब लेटर्स BCDE, तो ई के बाद आ जाएगा F, 3 से 6 + 3, 6 से 12 + 6, 12 से 24 + 12, तो अगला विल बी प्लस, डबल हो गया तो 24 डबल कर देंगे, तो 24 का डबल हो जाएगा 48. अब लास्ट लेटर से देखो, P से R, PQR +2, R से T +2, T से V +2, तो V से भी +2, तो WX, तो F48X, ऑप्शन नंबर A, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब C से E, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये हो गया हमारा +2, +2, +2, तो अब ऑब्वियसली 9 + 2 हो जाएगा कितना, 11, 11 मतलब हो गया K. अब 6 से 10 + 4, 10 से 14 + 4, 14 से 18 + 4, तो अब 18 से + 4 will be 22, सो K 22 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4E8I 13N 19T, 4 से 8 + 4, 8 से 13 + 5, 13 से 19 + 6, तो अगला विल बी +7, तो 19 + 7 = 26. E से I, 5 और 9 + 4, I से N, तो 9 से 14 + 5, N से T, तो 14 से 20
प्लस 6, तो नेक्स्ट विल बी प्लस 7. अब 20 प्लस 7 तो यार 27 होता है, लेकिन अल्फाबेट्स के हिसाब से इस 27 को अगर हम ब्रेक करें तो 26 प्लस 1 हो सकता है, तो प्लस 1 का मतलब यहां आ गया ए, तो 26A इज द राइट आंसर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये हमारी अल्फाबेटिक रिपीटेड सीरीज जैसी नंबर रिपीटेड सीरीज है. अब इस नंबर रिपीटेड सीरीज में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो बेसिक सी बात है, 3 1 3 1 3 1, तो 3 बार 1 से पहले 0 है, तो दिमाग कहता है 3 बार 1 से पहले 0 यहां भी लगा दो, क्या दिक्कत है, 3 बार 1 से पहले 0 है तो 3 बार 1 से पहले 0, 3 बार 1 से पहले 0. अब 0 के पहले 1 है, 0 के पहले 1 है तो यहां पे भी लगा दो 0 के पहले 1 है. अब 3 बार 1 के बाद में 2 है, 3 बार 1 के बाद में 2 है तो 3 बार 1 के बाद में 2 है. तो इस तरीके से ग्रुप करके हम आंसर निकाल लेते हैं. तो देखो 10 1 2 10 1 2 10 1 2, तो 1 0 0 2, ऑप्शन नंबर ए. डन. अगला देखो 975 864 753 642. तो अब यार पूरा पूरा करने की जगह अगर हम इस सीरीज को ऐसे लिखें तो ज्यादा आसानी से आ जाएगा. -1 -1 -1 तो -1 यहां हो जाएगा 5, -1 -1 -1 -1 तो यहां हो जाएगा 3, -1 -1 -1 -1 तो यहां हो जाएगा 1, 531. एज सिंपल एज दैट. नहीं तो यहां पे हम कर रहे होते 111 को माइनस करो, फिर 111 को माइनस करो, क्यों करो जब हम डिजिट टू डिजिट कर सकते हैं तब. ठीक है. अगला देखो 824, देन आ गया हमारा क्या 12 18 और 54. अब बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो अब 8 से 24 क्या हुआ यहां पे, ऑब्वियसली बात है डिफरेंस पे जाएंगे, डिफरेंस पे जाएंगे, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इनटू करके देखें, 8 3 जा 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 12, तो 12 3 जा 36, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 2 18 हो जाता है, और फिर 18 into 3 54 हो जाता है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 का पैटर्न चल रहा है. डन. अगला देखो 04 18 48 क्वेश्चन मार्क 180. अब क्या किए यहाँ पे 04, तो चलो यहाँ साइड में देखते हैं एक बार, सीरीज को लिख देते हैं हम 04 18 48, थोड़ा छोटा लिखते हैं यहाँ लिखते, अच्छा 04 18 48 क्वेश्चन मार्क 180. अब देखो +4 +14 +30, तो अगला विल बी प्लस, पता लगेगा यहां से देखो +10 +16 +6, तो +6 के हिसाब से ये हो गया कितना +22, मतलब यहां आ जाएगा +52, तो 48 + 52 करेंगे हम, तो 8 और 2 10, और ये हो गया 100. डन. अगला देखो 36 28 24 22, वेरी सिंपल, 36 से 28 -8 28 से 24 -4 24 से 22 -2, तो अगला विल बी -1, हाफ होता जा रहा है यहाँ पे डिफरेंस का, डिवाइडेड बाय टू. डन. तो 22 -1 21. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 9 13 21 37 क्वेश्चन मार्क. अब इसको भी देखो यहाँ पे जरा 7 से 9 +2 9 से 13 +4 13 से 21 +8 21 से 37 +16, तो ये क्या होता जा रहा है डबल, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो अगला 16 2 जा, तो 16 2 जा विल गिव यू व्हाट 32, तो 37 + 32, मतलब ये हो गया हमारा 69, ऑप्शन नंबर सी. डन. अगला देखो 56 90 132 184 248 क्वेश्चन मार्क. अब 56 से 90, तो अब यहाँ पे कितना हुआ देखो हमारा, यहाँ लिखते हैं 56 90 132 184 248 क्वेश्चन मार्क. तो 56 से 90 34 ऐड करो, 90 से 132 42 ऐड करो, यहाँ पे कितना ऐड किया
52 ऐड किया, यहाँ पे कितना ऐड किया 64 ऐड किया, तो अगला कितना ऐड करोगे वो देखो यहां से पता चलेगा, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस विल बी देखो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो अगला डिफरेंस विल बी 14 के हिसाब से, तो 64 प्लस 14 ये हो गया कितना हमारा 78। तो बस डिफरेंस पे डिफरेंस वाली सीरीज है ये, 248 प्लस 78, 8 8 16, ये हो गया आपका 8 4 12 326, ऑप्शन नंबर डी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4 10 19 31 क्वेश्चन मार्क। अब +3 +6 +9 +12, तो अगला विल बी +15। अब ये टेबल ऑफ थ्री है, थ्री वन जा, थ्री टू जा, थ्री थ्री जा, थ्री फोर जा, तो अगला विल बी थ्री फाइव जा, सो दैट मीन्स 31 प्लस 15 46, ऑप्शन नंबर ए डन। तो ये 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे नंबर सीरीज के रिवीजन फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशंस। इसी तरीके से शॉर्ट सेशंस और आपके रिवीजन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे, बट बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल फॉलो करना मत भूल जाना, 7:45 AM पे बैंक की क्लास, रात में 9 बजे एसएससी की क्लास, 12:30 बजे एसएससी सीएचएसएल का टारगेट कोर्स जो कि 6 जनवरी से शुरू हुआ है, 90 मिनट्स की क्लास होती है डेली बेसिस पे, इस पे ज्वाइन इसको आप कल से कर सकते हो। यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज, वाईफाई स्टूडियोज पे हफ्ते के 6 दिन प्रीमियर क्लास और लास्ट के वीकेंड्स पे आपको 2 लाइव क्लासेस शाम के 7 बजे, और वाईफाई 2.0 पे वीकडेज एंड वीकेंड्स मंडे से लेकर संडे तक रेगुलरली 4:30 बजे लाइव क्लास। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड कल फिर सुबह 5:30 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ टू गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस, एवरीथिंग। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।